वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम भिलाई आगमन पर मंगलवार को श्रीराम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। समिति के युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने खुर्सीपार गेट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने उनमें नए जोश का संचार किया। रैली के दौरान समिति के कार्यकर्ताओं एवं आम जन द्वारा रवि भगत का भगवा गमछा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। खुर्सीपार गेट में स्वागत कार्यक्रम के दौरान समिति के युवा शाखा के पदाधिकारियों ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को तलवार भी भेंट की। समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा भिलाई युवाओं की बुलंद आवाज से गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने आज दिखा दिया कि यदि वे एकजुट हो जाएं, तो हवा का रुख भी बदल सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत व श्रीराम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बेईमानी करके खजाना राला जमा करके रखी है, बोला प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से जो व्यवस्था है देश में और अगर जांच करा थे बोला भी भाजपा दोष दी तो इकरले बड़े हंसी की कोई बात नहीं है। और जो पकड़ाकिन है उनकर प्रति उनकर सहानुभूति काबर है, जो बेईमान है वो पकड़ाकिन से, अगर बेईमान के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो कर रिश्ता अलग क्लियर कर दे, जो बेईमानी करा थे वो ही ईडीआर धरा थे, बाकी कहीं में कोई भाजपा के रोल या भाजपा के कोई भूमिका वाला कोई बात नहीं, जो प्लानिंग नहीं बता रहे हम साथ बैठ के तय कर वो हमारे कथनी में नहीं हमारे करनी में दिखने वाला है हमारा प्लानिंग। तो भारतीय जनता पार्टी के कारण मेरा बूथ सबसे मजबूत अगर वह हम काम करने वाला है। नया जिम्मेदारी के बाद एक सब कार्यकर्ता से मिले जुले के कार्यक्रम है और साथ ही साथ वर्तमान में ये जो सरकार है और का गड़बड़ी करे थे और ठीक करे पर हमारा युवा मोर्चा के साथी का करना पड़ी एक योजना रणनीति पर सब कार्यकर्ता ने मिलजुल के करें। रणनीति तो हमन सब वरिष्ठ मन साथ मिल के बनाबो धरातल पे आप मन दिखे ला मिली और हमारा रणनीति है जो धरातल पे काम मिली वाला भी आप मन दिखाए का आवश्यकता पड़ी। प्रदेश सरकार ला हमन पूरा फेलवर के रूप में देखा था, नहीं करा झूठ फरेब के अलावा कुछ भाजपा डरात नहीं है, जो गलत करा थे होला हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो बेईमानी करा थे बोला सामने लगा लाथ ईडी और ईडी में कहीं संगठन के या भाजपा के कोई भूमिका नहीं है, वो एक स्वतंत्र अब आए हैं रणनीति बनाबो रणनीति बना के आपो निश्चिंत रहो। आप बल्ला में वादा करके जाता हूँ हमारे सब युवा मोर्चा मन के कार्यकर्ता के दम पे निगम में और विधानसभा में लोकसभा में सब में हमारे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बचा के लिए कभी कभी ना हम धान के फसल लगा था तो कुछ बदरा रहते जब धुकाई चलते तो उड़ जाते बदरा मन के हमारे चिंता नहीं, हमारे घर मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता के दम पे हम अपन गढ़ मजबूत भी करबो। हम तो जो माननीय हमारा राष्ट्रपिता जी के कहना रही कांग्रेस ला मुक्त कर भारत ले मुक्त करना है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कथनी पे चला था कि कांग्रेस ला देश में आवश्यकता नहीं है, अब कांग्रेस मुक्त के राज में अब पूरा देश निकल पड़ी थी, मैं छत्तीसगढ़ भी वो एक नाम रही आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो जीतने वाला होगा जो जीतने वाला रही ना वो सारी वाला दे मेहनत करना पड़ी वाला युवा हो के नाते टिकट नहीं मिले जीतने वाला और मेहनती के नाते ये जहाँ जितना ज़्यादा बर्तन रहते वहाँ थोड़ा मोड़ा बचते, जितना ज़्यादा काम करने वाला है थोड़ा मोड़ा संघर्ष रहते यार गुड़बाजी नहीं है यार संगठन ला मजबूत करे बार कार्यकर्ता के समर्पण है, वो समर्पण में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा टकराव हो जाते वो कार्यकर्ता के मजबूती के पहचान है। एक वनांचल क्षेत्रों में निरंतर काम करते रहे और जैसा मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू जी को एक गांव से बनाया उसी प्रकार से जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास भी पहुंचना चाहिए और अंतिम व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए और उसको समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना, उसी कार्य को लेते हुए प्रदेश की और राष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी है उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाई रवि भगत जी को यहाँ चुना है और उसका अभिनंदन करने हम थैंक यू।